हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर सेवन ऑफ क्लास सिक्स दैट इज द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड विद आवर टूडे सेशन तो एक बार हम पहले से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर तो अब पिछले चैप्टर के अंदर हमने लिविंग थिंग्स की दो कैरेक्ट्रिस्टिक्स पढ़ी थी जो पहली कैरेक्ट्रिस्टिक थी वो थी कि द लिविंग थिंग्स के एन एक्सक्रीट कि जो लिविंग चीज़ें हैं वो एक्सक्रीट कर सकती हैं एक्सक्रीट का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है कैसे उसको हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है इसी प्रोसीजर को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल बाई अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन यानी कि वो तरीका जिसके अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर से उसका जो वेस्ट मटीरियल है उसको बाहर निकाल दिया जाता है इसी प्रोसीजर को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्रीट आउट होंगी यानी कि कौन कौन से वेस्ट मटेरियल होंगे जो कि हमारे शरीर से बाहर निकलेंगे तो इसका एग्जाम्पल था यूरिन फीकस एंड स्वेट तो यूरिन को कौन सा बॉडी ऑर्गन फिल्टर करवाता है किडनी तो यानी कि जो किडनी होती है किडनी से हमारा जो यूरिन है वो फिल्टर आउट होता है फीकस है फीकस कहाँ से बनता है मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बनता है वहीं जो स्वेट है यानी कि जो पसीना है वो जो हमारी स्किन होती है उसकी मदद से बाहर निकलता है हमारे शरीर से इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है हमारे अंदर वो किस चीज़ की मदद से बाहर निकाली जाती है वो लंग्स की मदद से बाहर निकाली जाती है इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे। तो वो किस चीज़ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है उनके शरीर में स्टोमेटा के थ्रू और स्टोमेटाज कहाँ प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं वो कुछ और भी वेस्ट प्रोडक्ट का सिक्रीशन करवाते हैं दीज वेस्ट प्रोडक्ट आर ईदर स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट लाइक लीव्स बार्क एंड फ्रूट और आर रिमूव एज द वेरियस सिक्रिएशंस लाइक गम रेजिन एंड लेटिक्स तो या तो पेड़ पौधों के अंदर ये जो वेस्ट मटीरियल हैं ये स्टोर हो जाते हैं पेड़ के अलग अलग हिस्सों में जैसे कि उनकी लीव्स में बार्क में या फिर फ्रूट के फॉर्म में या फिर उनके शरीर से बाहर निकाले जाते हैं बाहर किस चीज के फॉर्म में निकाले जाएंगे गम की फॉर्म में रेजिन की फॉर्म में और लेटेक्स की फॉर्म में पर इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो इस तरीके से स्टोर होता है कि ये उन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता है जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी हमने कल लिविंग अर्गैनिज़म की वो थी कि लिविंग थिंग्स ग्रो कि जितनी भी जो ज़िंदा चीज़ें हैं वो बढ़ती रहती हैं तो हमने देखा है कि हम जैसे दो साल के थे उससे ज़्यादा अगर हम फिर ग्यारह साल की उम्र में देखें तो हमारी जो हाइट है उसका डिफरेंस है हाइट भी प्लस जितना भी जो पूरा हमारी बॉडी का डेवलपमेंट है वो अलग है वहीं अगर फिर से किसी बाईस साल के इंडिविजुअल को देखें तो उसका और ग्यारह साल वाले इंसान के शरीर का जो है वो बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है वो बढ़ रही है धीरे धीरे ग्रो कर रही है ये पूरा ग्रोथ वाला डायग्राम भी दिखाया हुआ है आपको अब जो ग्रोथ है इसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो साइज़ है उसके अंदर इंक्रीजमेंट आ रहा है वहीं एक और हम एग्जांपल लेते हैं हम एक पेड़ के बिल्कुल स्टार्टिंग से जब वो जर्मिनेट होता है वहाँ वाला स्टेप देखते हैं तो जब पेड़ जर्मिनेट होता है तो बिल्कुल एक सीड होता है फिर वहाँ से क्या बनता है बेबी प्लांट बनते हैं और उससे पूरा एक जो नया बड़े वाला प्लांट है वो होता है अब जो पेड़ों की जो ग्रोथ होती है वो उनकी थ्रू आउट लाइफ यानी उनकी पूरी ज़िंदगी के दौरान चलती रहती है वहीं अगर हम एनिमल्स की या फिर अगर अपनी बात करें तो हमारी ग्रोथ सिर्फ एक कुछ टाइम तक के लिए होती है और उसके बाद में जो ग्रोथ है वो रुक जाती है फिर हमने देखा कि जो कुछ नॉन लिविंग चीज़ें थी जैसे कि शुगर के क्रिस्टल्स तो उनका भी साइज़ बढ़ जाता है बहुत बार तो वो जो उनका साइज़ बढ़ रहा है वो जो उस टाइप की ग्रोथ है वो एक्सटर्नल ग्रोथ है यानी कि किसी बाहरी चीज़ के एडिशन की वजह से यानी किसी बाहरी चीज़ के जोड़ देने की वजह से वो चीज़ हो रही है पर हम जो बढ़ रहे हैं वो हमारी ग्रोथ कैसी है इंटरनल है यानी कि अंदर से हमारी ग्रोथ हो रही है अब हम पढ़ते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और वो है द लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पेन कि जो लिविंग चीज़ें हैं उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन होता है लाइफ स्पेन का मतलब होता है उनका जीवन काल कि वो कितने साल तक के आसपास ज़िंदा रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन इंसानों की बात करें तो हमारा लाइफ स्पेन कितने के अराउंड है एवरेज की अगर हम बात करें तो सत्तर से अस्सी साल के आसपास हमारा लाइफ स्पेन है तो वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग लाइफ स्पेन होता है पर जो चीज़ है वो ये है कि जितने भी जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनका एक डेफिनेट टाइम होगा ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सालों साल ज़िंदा रहेंगी एक टाइम के बाद में उनकी जो लाइफ स्पेन है वो कंप्लीट जरूर होगी वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल तो हमें ये चीज़ पता है कि जितनी भी जो जिंदा चीज़ें हैं वो एक सिंगल सेल से शुरू होती हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आरबॉन ग्रो इन टू एडल्ट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग गेट ओल्ड एंड फाइनली डाई तो ये जो जितने भी जिंदा प्राणी हैं ये क्या होते हैं पहले पैदा होते हैं फिर धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होने लगती है और फिर वो ग्रोथ बढ़ती रहती है और एक टाइम के बाद में वो इंसान एडल्ट इंडिविजुअल बन जाता है एडल्ट इंडिविजुअल का मतलब होता है कि वो सारे काम करने के लिए कैपेबल इनफ है और उसके बाद जब वो एडल्ट बन जाता है तो वो क्या करता है ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है यानी कि अपनी जनरेशन बढ़ाता है उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है और फिर वो फाइनली मर जाता है तो जितने भी ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ऑलमोस्ट यही चीज़ को फॉलो किया जाता है सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न ऑफ बर्थ ग्रोथ रिप्रोडक्शन एजिंग एंड डेथ तो जितने भी जो ज़िंदा ऑर्गेनिज़्म हैं उनका यही पैटर्न होता है यही तरीका होता है उनकी ज़िंदगी का कि पहले उनका बर्थ होगा फिर उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे यानी कि अपनी जनरेशन बढ़ाएंगे फिर एजिंग होगी यानी कि बुढ़ापा आएगा और फिर लास्ट में उस इंसान की या उस एनिमल की डेथ हो जाएगी द टाइम पीरियड फॉर विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन अ लाइव इज़ कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन तो लाइफ स्पेन होता क्या है अगर आपसे कभी पूछा जाए तो लाइफ स्पेन एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे उस टाइम तक वो जो प्राणी है वो ज़िंदा रहता है यानी अगर हम सत्तर साल तक जिंदा रहे तो मतलब हमारा लाइफ स्पेन कितना है सेवेंटी ईयर्स का अगर हमारे दादा दादी थे तो अगर उन्होंने उनकी डेथ हुई बाई चांस अस्सी एज के अराउंड तो उनका वहाँ टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ अस्सी साल पर जब हम ऐसे लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो हम जनरली पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो टाइम ड्यूरेशन होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरी पॉपुलेशन का कितने के आसपास होता है वो डिपेंड करता है तो वही चीज़ देखनी पड़ती है और वो अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स की अलग अलग होती है अब ये जो टेबल सेवन पॉइंट वन है इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स की कितनी एवरेज लाइफ स्पेन हो सकती है उसके बारे में बताया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो बैक्टीरिया हैं बैक्टीरिया कितना टाइम स्पेन है यानी कितने टाइम के लिए वो ज़िंदा रहते हैं पंद्रह से बीस मिनट तक जो मे फ्लाई है वो नॉर्मली एक दिन तक ज़िंदा रहती है जो हाउस फ्लाई है वो एक से चार दिन ज़िंदा रहती है जो राइस प्लांट है वो चार महीने के आसपास ज़िंदा रहता है रैट है वो नॉर्मली दो से तीन साल तक ज़िंदा रहता है जो स्क्वायरल है वो आठ से नौ साल तक ज़िंदा रहती है डॉग जो है उसका लाइफ स्पेन है सोलह से लेके अठारह साल जो लॉयन है वो नॉर्मली कितने साल तक जिंदा रहता है बीस से पच्चीस साल तक ऑस्ट्रिच है पैंतालीस से लेके पचास साल हम जो इंसान हैं हमारा है पैंसठ से लेके अस्सी साल तक जो टर्टल्स होते हैं उनका एक सौ बीस से लेके एक सौ पचास साल तक और वहीं सबसे ज़्यादा लाइफ स्पेन है बैनियन ट्री का कितना है उसका 200 से लेके और भी ज़्यादा तक उसका जो लाइफ स्पेन है वो हो सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ लाइफ साइकिल लिविंग थिंग्स डाय तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब वो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है यानी जिस पैटर्न की हमने बात करी थी पहले बर्थ होगा फिर ग्रोथ होगी फिर रिप्रोडक्शन होगा फिर एजिंग होगी उसके बाद वो जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है वो मर जाता है बायोलॉजिकली थिंग्स आर क्लासिफाइड एज लिविंग नॉन लिविंग एंड डेड तो अगर हम बायो के हिसाब से बात करें तो जितनी भी चीज़ें हैं वो तीन हिस्सों के अंदर बांटती हुई हैं हमने चैप्टर की तो स्टार्टिंग में पढ़ा था लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें पर अगर हम बायो के हिसाब से पढ़ें तो चीज़ें तीन चीज़ों में क्लासिफाई करी हुई हैं पहला है लिविंग दूसरा है नॉन लिविंग और तीसरा है डेड यानी कि मरी हुई कोई चीज़ डेड थिंग्स आर द रिमेनिंग ऑफ लिविंग थिंग तो इस डेड को अलग कैटेगरी में क्यों रखा हुआ है क्योंकि क्योंकि ना तो वो जिंदा है और ना वो नॉन लिविंग है क्यों क्योंकि वो जो लिविंग का जो हिस्सा है पर उसका मरा हुआ पार्ट है तो मतलब वो लिविंग वाली चीज़ें परफॉर्म नहीं कर रहा है पर हम उसके मरने के बाद भी उसको नॉन लिविंग नहीं बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दी फर्नीचर लाइक टेबल एंड चेयर आर मेड अप ऑफ वुड वहीं अगर हम बात करें कि जो टेबल और चेयर जो होती हैं हमारे घरों में वो किस चीज़ की बनी होती हैं वुड की बनी होती हैं वुड वॉज वंस अ पार्ट ऑफ़ अ ट्री और जो वुड है वो कहाँ से मिलता है हमें पेड़ के अलग अलग पेड़ के हमें हिस्सों से मिलता है तो ये जो लकड़ी है ये कभी ना कभी तो पेड़ का हिस्सा रही है दस इट इज़ अ डेड पार्ट ऑफ़ अ प्लांट। तो इसीलिए जो लकड़ी है वो उस पेड़ का मरा हुआ हिस्सा है फॉर एग्ज़ाम्पल अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डेड थिंग्स आर लेदर बोन टस्क एक्सेट्रा तो और क्या क्या एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं डेड चीज़ों के वो है जो लेदर लेदर किस चीज से बनता है इसके लिए पहले एनिमल्स को मारा जाता है और फिर उनकी जो स्किन है वो निकाल के उसको इंडस्ट्रीज में अच्छे से प्रोसेस किया जाता है उसी के बाद जो लेदर हैं जो लेदर जैकेट्स आती हैं लेदर पर्स आते हैं लेदर शूज़ आते हैं तो वो सारे एनिमल स्किन से बनाए जाते हैं उसके अलावा बोन्स यानी कि हड्डियाँ टस्क टस्क का मतलब होता है जो हाथी के दांत होते हैं हम उनको टस्क बोलते हैं तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डेड हैं हम इनको नॉन लिविंग नहीं बोल रहे हैं ये डेड हैं क्यों क्योंकि ये कभी ना कभी जिंदा प्राणी का हिस्सा थी इसीलिए हम इनको डेड थिंग्स बोलते हैं अब जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की वो ये है कि ये जो लिविंग चीज़ें हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं यानी कि अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ा सकती हैं All living things give birth to the young ones of their own kind. That is to say, all living things reproduce. तो ये जो जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं ये उनके जो छोटी प्रोजनीज होंगी यानी कि उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको जन्म देती हैं और वो जो बच्चे जन्मे हैं वो बिल्कुल ही उन्हीं के जैसे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर एक ज़िंदा चीज़ रिप्रोड्यूस कर सकती है यानी कि अपने यंग वंस को बर्थ कर सकती है अपने बच्चों को जन्म दे सकती है एनिमल्स लाइक काओ एंड कैट गिव बर्थ टू यंग वंस तो एनिमल्स का एग्जाम्पल है कि जो गाय वगैरह है या फिर कैट वगैरह हैं ये अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती हैं काव रिप्रोड्यूस By giving birth to calves whereas the cat give birth to kittens. तो जो काव है जो गाय है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को हम कैल्व बोलते हैं वहीं जब कैट अपने यंग वन को बर्थ करती है तो हम उस यंग वन को किटन बोलते हैं ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाई गिविंग बर्थ टू बेबीज वहीं जो हम इंसान हैं हम किन को बर्थ देते हैं छोटे छोटे बेबीज़ को सम बेबी एनिमल्स लाइक बर्ड्स फ्रॉग स्नेक एंड मॉस्किटो हैच फ्रॉम द एग्स वहीं जो कुछ एनिमल्स हैं उनके जो बेबी होंगे जैसे कि बर्ड के हों चाहे फ्रॉग के हों या स्नेक के हों या फिर मच्छर के हों तो वो कहाँ से बनते हैं वो एग्स से बनते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं पहले वो एग ले करते हैं और उसी एग से फिर जो यंग वंस हैं वो बर्थ लेते हैं हमने बर्ड्स के एग तो बहुत बार देखे हैं और जो जितने भी बर्ड्स के जो यंग वंस हैं वो सारे उन्हीं एग से ही बाहर निकलते हैं प्लांट यूजअली रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड और फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम और द लीव्स तो अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो यूज़ुअली वो किस चीज़ के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं सीड के थ्रू यानी उनके जो बीज होते हैं उन्हीं से तो नए नए फिर प्लांट उगते हैं या फिर वो अपने कुछ और हिस्सों से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और हिस्से कौन कौन से हो सकते हैं स्टेम और लीव्स फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रायोफाइलम रीप्रोड्यूस थ्रू लीव अब हमने सीड से तो प्लांट को जर्मिनेट होते देखा है पर कभी आपने लीव से किसी प्लांट को जर्मिनेट होते देखा है तो इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम ये जो ब्रायोफाइलम प्लांट है ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है अपनी पत्तियों से ये रिप्रोड्यूस करता है जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख रहे हैं ये जो पूरा हिस्सा है ये रिप्रोड्यूस हो रहा है और ब्राइफाइलम अपनी नई नई जो उसकी प्रोजेनीज हैं उनको बर्थअप कर रहे हैं